दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी बंगाल में दुर्गा पूजा हर साल की तरह मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कुछ ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। कोलकाता की 66 पल्ली दुर्गा पूजा कमेटी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह निर्णय किया है कि इस साल क्लब की दुर्गा पूजा पुरुष पुजारी की जगह 4 महिला पुजारी संपन्न कराएंगी। इस साल दुर्गा पूजा में कोलकाता एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनेगा। कोलकाता की 66 पल्ली दुर्गा पूजा कमेटी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया है कि इस साल क्लब की दुर्गा पूजा पुरुष पुजारी की जगह 4 महिला पुजारी संपन्न कराएंगी। पिछले साल के अंत में पूजा समिति के वयोवृद्ध पुरुष पुजारी के निधन के बाद ये निर्णय किया गया है। बता दें, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में माँ दुर्गा की 5 दिवसीय पूजा होगी। बंगाल की दुर्गा पूजा विश्व विख्यात है। कोलकाता में तो इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर महिला आयोजक हो सकती हैं, तो महिला पुजारी क्यों नहीं हो सकती। जन टीवी में और जन टीवी की विशेष पेशकश नारी में। नवरात्र पूरे देश भर में शुरू हो गए हैं। इन धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। 9 दिनों में महिलाओं की पूजा की जा रही है, लेकिन हर स्वागत है आपका हमारे विशेष पेशकश नारी में। जन टीवी एक बार फिर लेकर आया है नवरात्र में नारी के मुद्दों को, और इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े एक नए ऐतिहासिक कदम की। देश भर में नवरात्र शुरू हो गए हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाओं और कन्याओं को पूजा जा रहा है, लेकिन भारत में अधिकतर सवाल उठता जाता है कि नवरात्र में ही कन्याओं का पूजन क्यों किया जाता है और बाकी समय महिलाओं पर अत्याचार, कन्याओं पर बढ़ते मामले लगातार सामने आते रहते हैं। हालांकि धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, और आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वो खबर भी कोलकाता से आती है, जहां दुर्गा पूजा में 4 पुजारी महिलाएं हैं जो इस बार दुर्गा पूजा को हैंडल करेंगी, जो दुर्गा पूजा करेंगी, जो पुजारी बनकर माँ का पंडाल संभालेंगी। तो इस नारी पेशकश में हम आज बात करेंगे पुजारी महिला क्यों नहीं हो सकती, जब महिला आयोजक हो सकती है, जब महिलाएं तमाम काम कर सकती है तो पुजारी क्यों नहीं हो सकती है। इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं इस विशेष पेशकश में। हमारे साथ मनीषा शाह हैं, हमारे साथ जी मनीषा शाह जी, नमस्कार जी जी। और हमारे साथ रुमाना मुखर्जी हैं, हमारे साथ शिक्षाविद महिला जुड़ गई है, और हमारे साथ विजया चक्रवर्ती भी जुड़ चुकी हैं जी। अब नवरात्र सभी जानते हैं कि नवरात्र में कन्या पूजन हो रहे हैं और मामले भी लगातार बढ़ते जाते हैं। नवरात्रों में ही
कन्या पूजन देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ऐतिहासिक कदम महिलाओं द्वारा उठाया गया है इस बार कि कोलकाता में पंडालों में पुजारी महिला होंगी। सवाल मेरा पहला रुमाना मुखर्जी से है, क्योंकि महिला शिक्षाविद हैं और शिक्षा के प्रति भी जागरूक रहती हैं, करती हैं, छात्राओं को भी पढ़ाती हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या ये बदलाव की शुरुआत मानी जाए महिलाओं के तौर पर, इसे किस तरह से देखा जाए, इस शुरुआत को एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में या फिर ये एक सामाजिक तौर पर देखा जाए, और महिलाओं को कितनी पाबंदियां अभी छूटना बाकी है? धन्यवाद आपका, मैं आपके साथ जुड़ के खुश हूँ। और मैं थोड़ा सा इसमें एक आपको बताना चाहूंगी, मेरा नाम रमोना मुखर्जी है। बहुत धन्यवाद अपने साथ जोड़ने का। आपके जवाब देने से पहले मैं चार पंक्ति आपके साथ, आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वो खुद ही अपने आप में एक जवाब है जो आपने मुझसे भी पूछा कि मैं अंबर, मैं सितारा हूं, मैं ही चांद और तारा हूं, मैं धरती, मैं नजारा हूं, मैं ही जल की धारा हूं, मैं हवा, मैं फिजा हूं, मैं ही मौसम का इशारा हूं, मैं फूल, मैं ही खुशबू हूं, मैं ही जन्नत का नजारा हूं। तो आपने मुझसे जो ये पूछा कि हम अभी जुड़े हैं कि नहीं, ये नारी शक्ति का, कभी कभी मुझे लगता है कि ये बदलाव आ जाया है, या ये जो नारी शक्ति है, नारी महिमा, यह हमारे पुराणों से है, आदि ग्रंथों में है, ये कोई नया चीज नहीं है, शायद हमारे अंदर जागरूकता नहीं थी। नहीं तो नारी, ये जो देवी पक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप जो हम जो आज बात कर रहे हैं सारे कोई मिलके कि हम महिला पंडाल संभाल रहे हैं, वो ही पुजारी बने, वो सारा चीज संपन्न वही करेंगी, हमने क्या काम संपन्न नहीं किया है, ये एक यहाँ पे सोचने की बात है। ये जो देवी के 10 भुजाएं हैं, ये हमारे अंदर का जो शक्ति है, जो इतनी ये जो प्रतिभा है, इसी को तो दर्शाता है ये देवी के जो 9 रूप है, ये हमारे वो 9 रूप ही तो दर्शाता है। 9 क्यों? आप घर से शुरू करके बाहर तक देखिए, और ज्यादातर ये जो पैंडमिक आया, ये ऑनलाइन का जो जमाना हुआ, सारे काम, सारे कार्य जो ऑनलाइन हुए, आप अगर मेरे क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में शायद हम घर और बाहर में इतना अच्छा समन्वय बिठाए हुए थे, ये कहीं ना कहीं अंदरूनी शक्ति है, हमने शायद झांक के देखा नहीं, या हमें शायद हमेशा बताया गया कि हम महिला हैं। लेकिन एक महिला ही एक पुरुष को, बहुत जानी पहचानी बात है कि एक महिला ही एक पुरुष को ही जन्म देती है, ये शक्ति महिला में ही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये शक्ति हमारे में थी नहीं, ये शक्ति तो हमारे में हमेशा थी, हमने शायद अंदर अंदर अपने अंदर झांक के देखा नहीं है। आज वो दिख रहे हैं सारे, आप क्षेत्र में देख लीजिए। और अब पुराने, अब थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, अगर हम पीछे जाएं कस्तूरबा गांधी से, अगर हम पीछे जाएं सरोजनी नायडू से, अगर हम पीछे जाएं इंदिरा गांधी जी तक, तो उनका दबदबा कौन नहीं जानता, सारे विश्व में था। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे मातृभूमि के लिए बलिदान देने की बात हो, हम महिलाएं हमेशा आगे आए हैं। कुछ के नाम हम विश्व में प्रचारित हैं, कुछ के नाम नहीं है, सेनाएं भी बनी हैं जहां महिलाएं आगे बढ़ी हैं। हर जगह महिलाएं कूद पड़ती है, चाहे अपने घर को बचाना हो, चाहे कहीं को बचाना हो। जी जी रमोना जी, महिलाओं के अंदर ये शक्ति पहले से थी, और अब जब, हालांकि जैसे समय बदल रहा है वैसे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, महिलाएं जागरूक हो रही हैं और तमाम हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो एक जो क्षेत्र ये पीछे छूट गया था धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, उसमें भी अब महिलाएं आगे आने लगी हैं। सवाल मेरा विजया जी, मनीषा शाह जी से मैं सवाल करूंगी। जी हाँ मैम, जी मनीषा जी से मैं सवाल करूंगी, क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इस तरह से इससे पहले भी धार्मिक परिपेक्ष में मामले सामने आए हैं। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र की बात ले लेते हैं, जब महिलाओं को प्रदर्शन तक करना पड़ा था, कोर्ट तक जाना पड़ा था, सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ा था। इस बीच महिलाओं को तब से लेकर अब तक, जब पहले दर्शनों की बात थी, सिर्फ मंदिर में प्रवेश तक की बात थी, और अब गर्भगृह में पहुंचकर मंदिरों की पूजा करने की बात आ गई है। तो सामाजिक तौर पर भी देखें तो किस तरह से महिलाओं की पाबंदियां इसे मानी जाए, या फिर ये माना जाए कि अब सबकी सोच में बदलाव आ रहा है। ये बात सही है कि महिला को आगे लोग लाने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि जो भी जन्म देती है, अभी मैम ने जो बोला कि एक पुरुष को या एक स्त्री को, एक स्त्री ही जन्म देती है। अगर स्त्री का वर्चस्व इस दुनिया में नहीं रहे तो किसी का वर्चस्व नहीं है। एक माँ शक्ति के रूप में हम पूछते हैं, लक्ष्मी के रूप में पूछते हैं महिलाओं को। पर हमारे यहाँ पर एक इंसिडेंस हुआ था अभी अहमदाबाद, यानी गुजरात में डाकोर करके एक मंदिर है, वहां पर 1200 साल से सब पुरुष ही वहां पर सेवा करते हैं, यानी मैनेजर वगैरह, ट्रस्टी वगैरह, वहां पर सब जेंट्स ही है। अब
वहां पर वो एक लेडी थी, उसके बाप उसके पापा ने कुछ बहुत सालों पहले वहां पर पूजा वगैरह किया था, तो उसने केस दर्ज किया हाईकोर्ट में कि अगर मेरे पापा ने वहां पुजारी थे और मेरे पापा को अगर वो पूजा करने का हक मिला है तो हम भी उनकी संतान है, तो हमको क्यों नहीं हक मिला। तो हाईकोर्ट ने उनको हुक्म दे दिया और ऑर्डर दे दिया कि इनको वहां पर पूजा करने देने में आया जाए। खाली 365 दिन में दो ही दिन पूजा वो लेडीज को करनी थी, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर अभी रिसेंटली। तो वहां के पुजारी ने वहां वो औरतों को आने नहीं दिया, पूरे दिन उन लोगों को इतना बंदोबस्त करके रखा, यानी आतंकवादी आ गए हो, इतनी पुलिस वगैरह सब बुला लिया। और मीडिया में भी यहाँ पर हमारे गुजरात ने मीडिया में बहुत ही वो किया, मैं डिबेट में भी गई थी और मैंने बोला कि अगर 1200 साल से जो परंपरा नहीं चल रही है, अगर भगवान ने उसको हक दिया है, निमित खाली कोर्ट बनी है, हाईकोर्ट निमित बनी है कि भाई इनको ऑर्डर दिया। और वो मैनेजर ऐसा भी बोल रहा है कि उसको उसके पास अगर पुरावा होगा यानी प्रूफ होगा तो मैं उसको पूजा करने दूंगा, प्रूफ भी वो लेके गई, तो उसको पूजा करने में नहीं देना है। यानी कहीं कहीं महिलाओं को बहुत आगे कोई कोई क्षेत्र में लेके जा रहे हैं और कहीं कहीं हम पीछे ही छोड़ रहे हैं। यानी कहीं पर देखो आप अभी सनी सिंगरापुर में भी मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे कि भाई मंदिर में महिला नहीं जा सकती, यहाँ पूजा नहीं कर सकती, शनिदेव को हाथ नहीं लगा सकती, हनुमान जी को हाथ नहीं लगा सकती, इस भगवान को छू नहीं सकती। किस ग्रंथ में कहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो? कौन से भगवान ने, कौन सी माता जी ने बोला है कि खाली जेंट्स ही हमारी सेवा पूजा कर सकते हैं? तो अभी जो ये दुर्गा पूजा में जो महिला पंडाल में जो 4 महिलाओं को जो स्थान दिया है, मैं प्राउड करती हूँ महिलाओं पर, और जिसने उनको आगे बढ़ाया है, मैं बोलती हूँ कि हर जगह पर महिलाओं को स्थान दिया जाए, उसका दर्जा, क्योंकि हम घर में पूजा करने के लिए महिलाओं को आगे करते हैं, जहाँ मंदिर घर में रहते हैं वहां पर, और बाहर के मंदिरों में पूजा करने के लिए महिलाओं को मना करते हैं। तो इस बात में मुझे बहुत ही वो है, गुस्सा है कि भाई महिलाओं को आप हर जगह पर, आप जिस कोक से जन्म देते हो उस कोक को ही आप अधिक करते हो ना, तो वो नहीं होना चाहिए। समानता का हक सब जगह का और सबको है, इस दुनिया में सबको समानता का हक है और बोलने का भी हक है और खुद का हक लेने का। स्त्री को भी सब हक दिया हुआ है, पर कोई कोई स्त्री हक नहीं जानती है, जो बिचारी अबला नारी बन के रह जाती है, उनके लिए ही हम लोग लड़ते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे पास आओ, हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक महिला ही महिला को जान सकेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में ही पौराणिक कथाओं के अनुसार जो रूप माता के चले आ रहे हैं उन्हीं को हम पूजते हैं, और घर में जो हमारी माता है, जो बहनें मौजूद है, जो देवी का स्वरूप है, उन्हें भूल जाते हैं, उनके साथ वो व्यवहार वो सम्मान नहीं दिया जाता जो हम एक पौराणिक कथाओं में जो कहा जाता है उनको दे देते हैं। सवाल, जन्म लेती है तब हम जी, वो जब जन्म लेती है तब हम लक्ष्मी बोलते हैं, हमारे घर लक्ष्मी ने जन्म दिया, और जब वो अपने हक के लिए लड़ती है और दुर्गा बन जाती है, काली बन जाती है, तब बोलते अरे तुझे नहीं हक मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी, मनीषा जी, विजया जी भी हमारे साथ मौजूद है, बंगाल सोसाइटी की भी संयुक्त सचिव है ये। विजया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बंगाल सोसाइटी में जिस तरह से दुर्गा पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसे एक महोत्सव के रूप में लिया जाता है, पूजा जाता है, और इसमें एक ऐतिहासिक कदम महिलाओं का माना जाता है कि पुजारी इस बार महिलाएं बनकर आएंगी, तो ये एक नई शुरुआत है, क्या कहें? मैं विजया चक्रवर्ती हूँ और मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। मैं जयपुर के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे को अभी पूछा कि महिलाएं जो अब पुरोहित्य कर रही हैं, क्या ये एक नई चीज है या नया पहल है? जी हाँ, बिल्कुल नया पहल है इस युग में। मगर आप अगर देखेंगे, जैसे कि रमुना जी ने भी कहा, आदि युग से ही हम जो महिलाएं हैं, हमारा बहुत इम्पोर्टेंस था। उस वक्त महिलाएं सबसे ज्यादा पूजी जाती थी। आप अगर गार्गी, मैत्रेयी इनका नाम सुने कभी आप लोगों ने, तो ये विदुषियां थी जिनका नाम आज भी लोग बाग लेते हैं और इनका नाम रखा जाता है लड़कियों के लिए, राइट? सो अगर हम महिलाएं तब थे तो अब क्यों नहीं? अब महिलाएं अंतरिक्ष तक जा रही हैं, महिलाएं सारी काम कर रही हैं, महिलाएं आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, तो महिलाएं पुरोहित्य का काम क्यों नहीं कर सकती? जरूर कर सकती हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। दूसरी बात, महिलाओं के पास ही तो विद्या है, सरस्वती के पास, सरस्वती देवी के पास विद्या है, लक्ष्मी के पास धन है और दुर्गा के पास शक्ति है। तो अगर ये महिलाएं हैं और इनके पास ये चीजें हैं, जिनको की हर पुरुष, हर नारी
पूजते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनको पूजा ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ तो देवी माता लक्ष्मी खुश होंगी, पैसा आएगा, विद्या आएगी, शक्ति आएगी। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हर लड़की को, हर महिला को वो दर्जा दिया जाए? तो शायद ये जो पहल है, इस पहल के बाद हमारा और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा हमें। और जहाँ तक फेस्टिवल का सवाल है, डेफिनेटली ये तो एक प्रतीकात्मक चीज है, मगर वाकई में अगर देखा जाए तो हम तभी सफल होंगे जब महिलाएं उस दर्जे को पाएंगी जिनकी वो असल में हकदार हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा पहल है कि महिलाएं आगे आई हैं और पौरोहित्य कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में भी अगर जयपुर में भी ऐसा होता है तो हम उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देंगे। हम उसको ये शुरुआत कोलकाता से हुई है, कोलकाता में, क्योंकि महिलाएं आगे आई है, लेकिन राजस्थान में इस मुद्दे पर महिलाएं बेहद पीछे है, क्योंकि घूंघट प्रथा से शुरू होकर राजस्थान में महिलाएं अब काफी आगे बढ़ी है। आधुनिकीकरण का दौर हुआ लेकिन अब भी महिलाएं उस हद तक नहीं पहुंची हैं कि मंदिरों में पुजारी बनकर प्रवेश कर सकें या फिर पुजारी का एक पद निभा सकें। तो राजस्थान की महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, कब, कितना और समय लगेगा इसको आगे आने में? देखिए, राजस्थान के अंदर जो चीज प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ कुछ एरियाज में अभी तक शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन बहुत कोशिश कर रही है कि शिक्षा का विस्तार हो, और चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से पिछले 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ तो मैं ये बात आपको बता सकती हूँ कि एक लेवल तक ही लड़की को आगे बढ़ने दिया जाता है, पेरेंट्स बढ़ने देते हैं, आफ्टर दैट वो ये कहते हैं नहीं भाई ठीक है तुम्हारे को हम सेटल कर देते हैं, शादी वादी हो जाएगी, तो आफ्टर दैट तुमको जो करना है तुम कर लेना। तो वो जो आगे नहीं बढ़ने देने का एक वो रुकावट सा पेरेंट्स खुद करते हैं, तो उसके वजह से ही शायद हम अभी तक पीछे हैं, राजस्थान में लोग पीछे हैं। आप परिवार को भी मान सकती हैं कि परिवार की शुरुआत से ही पाबंदियां लड़कियों पर लग जाती हैं, इसीलिए ये महिलाएं इतना आगे तक अभी तक नहीं पहुंचती हैं। रमुना जी हमारे साथ हैं। जी जी रमुना जी, क्या मानती है कि इतनी देर क्यों लग गई इसको आने में, पुजारी के तौर पर महिलाओं को आगे आने में इतना समय क्यों लग गया? क्या परिवार की मानसिकता कह दें या जनरेशन गैप की है, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है उनके अंदर जो चीजें वो देखते हैं कि अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इससे पहले देखा नहीं था बच्चों ने भी या जो भी अब बड़े हुए हैं उन्होंने कभी नहीं देखा था महिलाओं को आगे आते हुए, क्या इसे एक वजह माना जा सकता है? देखिए, मैंने इन्हीं विचारों से शुरू किया था कि शायद हमारे अंदर है, हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, और ये जो बदलाव में इतना देर आया, जैसे मनीषा जी ने बोला, जैसे विजया जी ने बोला कि हम घर में तो फिर हमें यही कहा जाता है कि आप औरतें ही पूजा करती हैं, तो बाहर क्यों नहीं? ये जो बाहर क्यों नहीं वाले बात आई, ये कहीं हमने भी अपने आप को शायद ये प्रश्न नहीं किया कि हमें जो बोला गया वो सारा सही है या नहीं है। प्रश्न करने की बहुत जरूरत है अपने आप से। प्रतिबंध जो लगा या हमारे जो घर वालों ने या हमारे, वो एक पुरानी पीढ़ी के हैं, हम तो नए पीढ़ी के हैं। अगर आप बात करें कंप्यूटर्स की तो वो नहीं जानते थे जितना हम जानते हैं। तो ये प्रश्न भी हमें अपने आप से करना पड़ेगा। हम बहुत सारी चीजों में आजकल की आप लड़कियों को देखें तो बहुत सारी बातें वो अपने आप से प्रश्न करती हैं, चाहे मेडिकल की चीजें हो चाहे कुछ चीजें हो, वो प्रश्न करती हैं ऐसा क्यों, ये तो बहुत नेचुरल चीज है, इसके लिए हमें क्यों मना किया जाता है। तो इन चीजों के लिए भी हमें अपने अंदर एक प्रश्न जागरण करना होगा। जब तक हम अपने से प्रश्न नहीं करेंगे उसका उत्तर हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। हमें बता दिया जाता है तुम्हें ये करना है क्योंकि तुम लड़की हो, तुम महिला हो, तुम एक दायरे के बाहर नहीं जा सकती हो। और अगर बहुत हम सही बताएं तो समाज को भी हमें चेंज करने की जरूरत है, जैसे विजया जी और मनीषा जी ने कहा, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में बदलाव तो धीरे धीरे ही आएगा, और इस बदलाव को अगर लाना पड़ेगा हम सारे महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। जी, पुरुष प्रधानता की बात की है आपने हमारे साथ मनीषा जी, महिला की बात की है कि ऋषि मुनियों की बात की है जिन गार्गी का नाम लिया गया और मैत्रेय का नाम लिया गया, लेकिन ज्यादातर ये महिलाएं हैं मुनियों में भी, लेकिन अभी तक हमने हमेशा से, शुरू से ही, चाहे हमारे बचपन की बात करें तो तब से भी हमने सिर्फ संतों, मुनियों, ऋषियों का पुरुष प्रधानता में नाम सुना है, संतों का नाम सुना है, महिलाओं में कभी मुनि हुए हों, संत हुए हों, इनका नाम आगे नहीं आया, पुरुष प्रधानता की बात हो रही है। मैंने अभी आगे ही बोला क्योंकि भगवान और देवी
तो देवी है, पहले से देवी को स्थान मिला हुआ है, तो भगवान को भी मिला हुआ है, ऐसे ऋषि मुनियों को भी मिला है, संत को भी मिला है, तो सबको मिला ही है स्थान, पर अब नहीं दे रहे हैं। पहले पुराने जमाने में सबको स्थान था। देवी देवता ऐसे ही हम पूछते हैं, एकले अकेले देव नहीं है, देवी भी है। क्यों देवी साथ में? क्योंकि स्थान सबका समांतर है, क्योंकि भगवान को भी, भगवान कृष्ण भगवान को भी एक माता की कुख से जन्म देना पड़ा था। क्यों? वो भगवान है, ऐसे भी प्रकट हो सकते थे ना, क्यों ऐसे ऐसे प्रकट नहीं हुए? उनको भी एक माता की कोख चाहिए थी, क्योंकि इस देश को चेंज करने के लिए, उनको कुछ नया कुछ करने के लिए, क्योंकि हर देवता आके बोलते हैं ना, कलयुग सतयुग, उसमें देवता आते ही है 500 साल में एक बार या 600 साल में एक बार आके वो प्रकट होते हैं, और कुछ ना कुछ देश के हित में, लोगों के हित में कुछ करते हैं। जो बोलते हैं ना कि भगवान, जिसको कहते हैं ना सिक्स सेंस जैसा, वैसा कोई ना कोई होता ही है। अब मैं एक बात करती हूँ कि हम लड़कियों को पहले से बचपन से ही ऐसे बोलने में आता है, अरे तू लड़की है, तुझे इसके साथ नहीं खेलना है, तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, तुझे ये नहीं करना है, तुझे वो नहीं करना है, तुझे पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि तुझे ब्याह के ससुराल जाना है। अरे ब्याह के ससुराल जाना है, पर वो पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी और कुछ अच्छा वो करेगी, और घर को भी जो एकजुट करके चलेगी। अभी देखो मैं एक इंसिडेंस बोलती हूँ, मेरे फ्रेंड के घर में गई थी, तो मैच चल रहा था, अभी क्रिकेट चल रही है, तो क्रिकेट चल रही थी, तो उसने बोला कि अरे मैच में, अरे वो अभी चौगा मारेगा, अबे तेरे तुझे पता नहीं चलता, तू मत बोल। अरे क्यों? वो उसकी बात तो रख सकती है आपके सामने, एक महिला होके उसको क्रिकेट में पता नहीं चलता है, आप क्यों टोकते रोकते हो? आपके घर में भी कुछ चल रहा है तो उसमें महिला को पूछेंगे ही नहीं, सब जेंट्स इकट्ठा होके बोलेंगे कि हमको ये करना है, वो करना है, ये करना। अरे पर लेडीज भी आपके घर में है तो उसको भी पूछो, अगर ब्याह है आपके बेटे का तो अकेले जेंट्स इकट्ठा होके सब डिसाइड करेंगे, लेडीज को कुछ ही नहीं पूछेंगे, बस तुझे तैयार होके आना है, तुझे यही करना है। अरे भाई खाली वो शोभा की तरह के नहीं लाए हो आप, कि भाई एक फ्रेम करके बिठाना नहीं है उसको, क्या आपके घर में एक काम वाली नहीं लाए हो आप, कि भाई आपके बच्चों को संभाले, आपके घर में ये करे वो करे, आपके मेहमान आए उसको संभाले, उसकी भी कोई इच्छा है, वो भी एक इंसान है, उसको भी जीने की इच्छा है और वो भी कुछ कर सकती है। और देखो अभी कितनी सारी महिलाएं कहाँ कहाँ पहुंच गई है, हम भी, हमको भी अगर रोका होता, अगर रमोला जी को, विजया जी को, आपको या मुझे, हमारे घर से रोका होता और हमको आगे बढ़ने नहीं देता, तो हम अभी इस न्यूज में नहीं होते और हमको लोग जानते पहचानते नहीं। पर हमको ही खुद को लड़ना पड़ेगा, हम अगर अपने लिए नहीं लड़ेंगे ना तो हमारे लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर से पेरेंट्स को ही तैयार होना पड़ेगा कि हमारी बेटी है तो बेटी को हमको बेटे की तरह पालना पोसना है, ऐसा नहीं कि भाई बेटा है तो बेटे को अच्छा पालो पोसो और बेटी को नहीं, वो भी आपके ही बेटी है ना, बच्ची है, तो उसको भी ऐसे ही आप वो करो। जितना आपको बेटा नहीं संभालेगा ना, उतना आपको बेटी संभालेगा। अभी की देखो बात करो तो दो लड़का और एक लड़की है, तो दो लड़के माँ बाप को नहीं रखेंगे, पर लड़की कोसों दूर रहेगी ना, माँ बाप की चिंता करेगी कि मेरे माता पिता को बीमार हो गई, क्या हुआ, माता यानी बेटी को चिंता होती है माता पिता की, बेटों को नहीं, क्योंकि वो तो अपने बहू के हो जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा था पुरुष प्रधान, मैंने ये नहीं बोला था देव प्रधान, अगर देव प्रधान होता तो समानता होती, पुरुष प्रधान, क्योंकि पुरुषों ने ही अपने हिसाब से नियम कानून बना लिए और हमने पूछना नहीं सीखा, प्रश्न करना बहुत आवश्यक है अपने आप से, करना नहीं सीखा। जी जी, तो यहाँ पुरुष प्रधानता की बात कही, यानी कि परिवार से ही शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से, हालांकि अब काफी आगे बढ़ी है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, चाहे सेना की बात हो, चाहे जैसे क्रिकेट की बात चली तो कहा कि भाई पुरुष जो है उन्हीं को इंटरेस्ट होगा और वही सही कुछ बता सकेंगे, लेकिन अब इस बार भी हमने खेलों में देखा कि महिलाएं आगे थी, तो अब ये धारणाएं टूट रही है, जो पुरानी सोच थी, रूढ़िवादी सोच थी, वो भी अब टूट रही है कि सिर्फ महिलाएं ही या सिर्फ पुरुष ही ये सब नहीं कर सकते हैं, बराबरी का दर्जा कहीं ना कहीं मिलने लगा है, कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। जी विजया जी, बंगाल में भी जहां महिलाओं की ये शुरुआत हुई है, आप बता रहे पुरुष प्रधानता की अगर बंगाल में बात करें तो महिलाओं के दर्जे को किस तरह देखते हैं आप? देखिए वेस्ट बंगाल में चूंकि मेरे हिसाब से एजुकेशन काफी ज्यादा फैला है, कुछ समय से वहाँ पे बहुत अच्छे थिंकर्स सामने आए, एग्जाम्पल के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनके जो वर्क्स हैं, अगर उनके गाने, उनके पोएम्स अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ऐसे हैं जो इंस्पायरिंग हैं, ठीक है,
ऐसे ही करके कई बंगाल में थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स हुए हैं जिनकी वजह से एक्चुअली बंगाल में एजुकेशन काफी अच्छा आगे बढ़ा है। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि अभी भी कुछ सेक्टर्स होंगे वहां पे जहाँ पे लिटरेसी नहीं होगी या उसकी परसेंटेज कम होगी, मगर एवरेजली अगर आप देखें तो शायद ये वहां पे इसलिए फैला या इसलिए ये चीज सामने ज्यादा आई महिलाओं का उत्थान, क्योंकि वहां पे एजुकेशन काफी अच्छा रहा है। दूसरी बात, काफी जैसे हमने देखा है कि क्रांतिकारी महिलाएं भी हुई हैं, 1947 की अगर बात करें तो, इंडिपेंडेंस की बात करें तो महिलाएं बहुत आगे आई हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी शायद मेरे ख्याल से जो वेस्ट बंगाल है वहां पे महिलाओं का आगे आना ज्यादा हुआ है। और जहां तक पुरुष प्रधान जी एजुकेशन को एक माना जा सकता है, जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी, और क्योंकि महिलाओं का अभी विकास भी जारी है और डेवलपमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से महिलाओं की प्रोग्रेस भी जारी है, तो ये मुद्दा भी आगे लगातार चलता रहेगा। फिलहाल तीनों जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाल कर दिया इस मुद्दे को, क्योंकि नारी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था। हर शनिवार को आपसे जुड़ेंगे नए मुद्दे के साथ, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के साथ, महिलाओं की परेशानियां, महिलाओं की समस्याएं, महिलाओं के नए मुद्दों के साथ। हर शनिवार को देखते रहिए नारी की विशेष पेशकश। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।